ईशान टाइम्स मीडिया हाउस हाउस ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पूरे दिन भर की चुनाव प्रचार के बाद फिर अभयपुर में पहुँचे, तमाम पर प्रत्याशियों की बातचीत करते हुए, उनके प्रोग्राम्स को देखते हुए अभी हम फिर अंकुश निषाद, ठीक है, यानी कि सबके दिलों में है बसा हुआ इनका नाम। और एक साथ अगर मैं थोड़ा सा भी एक बार और बोल दूंगा तो ये लोग नारा भी लगा देंगे, तो वो नहीं अभी ये लोग, इसका मतलब ऊर्जा अधिक है, काम अधिक किया हुआ है। और सीधे हम लोग बातचीत पे आते हैं। अंकुश जी, आज कैसा रहा आपका पूरा दिन? रोज़ की तरह आज बहुत बढ़िया दिन था। आज तकरीबन 50-60 घरों में मिलना हुआ और डोर टू डोर कैंपेनिंग हुई, और जैसे जैसे दिन जा रहा है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है लोगों से। और आज मैं उसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गया, वहाँ मैं डोर टू करने गया तो वहाँ वो कह रहे सुभाष जी के लड़के, मैं कहा जी, कहा हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ऐसे करते करते सारे घरों में बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। वोट्स का कितना है, और जो आपके अपने जो मजबूत वोट्स थे उनके पास, उन लोगों से भी मिल रहे हैं कि नहीं? वो तो खुद ही आ रहे हैं हमारे पास, जो मजबूत वोटर्स हैं मेरे, वो तो नहीं खुद है, ही उनसे मिल रहे हैं कि नहीं? मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, घर घर जाके उनके घर जाके मिलना हो रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब इतना प्यार मिल रहा है, मैं तो पहली बार मैंने ये अपना डोर डोर कैंपेनिंग करी। पहले तो पिताजी के इलेक्शन में मैं अपना सारा बाहर का ही संभाल रहा था, अब मेरे को घर घर जाने के लिए मिल रहा है, तो बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे। सुभाष जी साथ में आप हैं, आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं कि आप चुनाव में नहीं आए और बेटा है वो तो बड़ा है, कि आज आप, हो सकता है कि कल आपका सपना हो कि विधायक लड़ें या कहीं और कुछ हो, इस वजह से शायद ना आए हों, अभी क्या महसूस करते हैं? नहीं पता, ये पंचायत का चुनाव है, हमें वो सपना देखना ही नहीं है कि विधायक हमारा बेटा बने नहीं बने, हम तो पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, नगर निगम नहीं, का मैं चुनाव आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका सपना हो, बेटा तो आपको लड़ने का आगे का हो, क्योंकि बेटा नहीं, चुनाव में जीत के आ रहा है। नहीं, हमारे तरफ से कोई नहीं है सर, हमारा कोई सपना नहीं है, हमें तो लोगों की सेवा करना है। जहाँ अगर हमें दिखता है कि ये परेशानी है, उनके साथ हैं हम, उन लोगों के साथ हैं। अभी लॉकडाउन में 40 दिन हम लोगों ने रोटी खिलाया लोगों के, तकरीबन 200 कीट मैंने बांटा अपने से, तो इच्छा थी अपना। पहली बार ये देखा गया कि ऐसा भी दिन आता है, लोग आते थे यहाँ रोने लगते थे, बहुत परेशानियाँ कि हमारे पास आज सब्जी नहीं, दूध पीने के लड़का के नहीं है, तो कोशिश करके कहीं से पैसा की व्यवस्था करके अपना सिस्टम करके इनको सेवा किया गया। कितने लोगों के तो किराया दे के यहाँ से भेजा गया, तो वो सेवा जो है ना, अपना दूसरे तरीका से सेवा भावना से, किसी वो पार्टी के ऊपर नहीं, अपना पर्सनल कि भाई किया जाए, आज इस लायक हैं तो करना चाहिए। अभी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी सीट्स आ रही है और कुछ और मेहनत की बाकी है? बस लोगों के है ये चुनाव, हमारा तो है ही नहीं चुनाव, लोग समर्थन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा समर्थन दे रहे हैं, पुराने मित्र भी हमारे साथ आ गए, जो 22-23 साल लोगों के साथ रहे हैं और काम किया गया, पहले भी जो हमारी सरकार थी चौटाला साहब के, उसमें बहुत बढ़िया हम काम किए, और उस समय भी जो मित्र थे उसके, आज वो काम कर रहे हैं, आज सब लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ मिल के, वो कह रहे हैं हमारा लड़का चुनाव लड़ा है, तो लड़का के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं हम, अपना जहाँ हमारी ड्यूटी लगाते हैं, ज़रूरत समझते हैं, वहाँ जाते हैं, बहुत प्यार मिलता है, और कहते हैं एक बार लड़का के भेज दो, मैं पर्सनल भेजता हूँ कि इस घर में जा तो आशीर्वाद लेके आओ वहाँ से। इस वक्त कुछ राजनीतिक फेरबदल भी चल रहे हैं, उसका कोई असर आपके चुनाव पर? हमारे में सर कोई राजनीतिक वो है ही नहीं, हमारे सिस्टम अपना पर्सनल से दोस्ती ना काहू से, हमारा सभी पार्टियों से, हम तो इंडियन नेशनल लोकदल से थे 22 साल रहे, बीजेपी भी इंडियन नेशनल लोकदल से समझौता की थी, फिर कांग्रेस में हम चले गए, आज कांग्रेस में भी हम हैं। ये चुनाव के लिए है ना, सिर्फ चुनाव के लिए है लड़ाई, चुनाव के बाद देखेंगे क्या होता है। हमारा तो सारे पार्टी, बीएसपी भी हमारी है, बहुजन समाज पार्टी के पास भी समझौता था, हमारे वर्कर अपने हैं, जाने पहचाने हैं सब, तो सब लोग साथ दे रहे हैं हमारे को, किसी पार्टी से वो उसका फायदा मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा जी, मिल रहा, सब जगह मिल रहा, सभी लोग साथ हैं। सुभाष जी अगर लाल डोरे की बात करें गाँव के घर में, तो
तो पिछले जो कार्यकाल रहा है पार्षद का जो रहे थे तो बड़ी समस्याओं का करना पड़ोगे, तो क्या कहेंगे? ये गांव के लोग जो है ना, पर्सनल हमारे, ये गांव लाल डोरा के अंदर है और पुराना गांव है, बहुत पुराना गांव है हमारा, पूरी तरफ चारों तरफ से घेरा हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया से, हमारा सीमा बना दी गई, सीमा के अंदर जो पुराने लोग हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं है, आज भी रजिस्ट्री नहीं है, तो इनको खासकर इन आदमियों के तो पार्षद की बिल्कुल ज़रूरत है। सेक्टर में तो चलो चल जाता है, सेक्टर में मकान हुड्डा के है और भी है तो चल जाता है, यहाँ तो एमसी के बहुत ज़रूरत है। कैसे पार्षद? हाँ, पार्षद ऐसा चाहिए कि जो लोकल पार्षद यहाँ रहे, इनके बीच में रहे, हर वक्त 24 घंटा इनके साथ रहे। अब अचानक कहीं अभी हॉस्पिटल में चले जाओ, इस समय बच्चा होने वाला है, इस समय ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि आधार कार्ड अगर बाहर का है तो उसको नहीं लेते, कहते हैं कि आप एमसी से लिखवा के ले आओ, 12 बजे अगर बच्चा पैदा होने वाला है तो 12 बजे हॉस्पिटल में जाओ, तो उस समय कहाँ बाहर के एमसी कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अपना पार्षद इनको बहुत ज़रूरी है इन लोगों के, बहुत। जिस तरह से आपने देखा कि कितनी लोकल समस्याएं छोटी छोटी बातों को लेकर के जनता के बीच में रखना, और सुभाष जी उन चीज़ों को जानते हैं और उन्होंने काम किया है। अभी अंकुश निषाद मैदान में हैं, उनको इस चीज़ को समझना है, करना है, क्योंकि उनके साथ चूँकि बेटे हैं तो उनके काम करते रहे होंगे, दिन रात इनके साथ लगे रहे, वो अनुभव भी इनके साथ है। और फिर पढ़े लिखे उम्मीदवार को आना, वेल एजुकेटेड उम्मीदवार का आना इस क्षेत्र में आवश्यक था, और उसको देखते हुए आप सब लोगों के साथ मैं ईशान टाइम्स की ओर से ये रिपोर्ट उनके ऑफिस से दे रहा हूँ। धन्यवाद।